हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाला बहुत ही मज़ेदार फलाहारी आलू। हम बनाएंगे भी वो भी सिर्फ दो तीन मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। फलाहारी आलू के लिए हमें चाहिए बड़े साइज़ में कटा हुआ आलू, बारीक कटी हुई धनिया, टमाटर की प्यूरी और दरबरा भुना हुआ मूँगफली, दो हरी मिर्च, नींबू, जीरा और सेंधा नमक। एक पैन लेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फिर हम डालेंगे देसी घी। देसी घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे जीरा। जीरा हमारा जैसे ही चटकने लगेगा हम उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च हमारी जैसे ही लाल हो जाएगी उसमें हम डालेंगे कटा हुआ आलू। आलू को हमें हाई फ्लेम में तलना है। आलू को हम दो तीन मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। जैसे ही हमारा आलू कलर बदलने लगा हम उसमें डालेंगे सेंधा नमक और मिक्स करेंगे चलाते हुए। और फिर हम डालेंगे इसमें नींबू। आप अगर नींबू का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम इसमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू देखिए हमारा कलर चेंज करने लगा है, कितना कुरकुरा और क्रिस्पी आलू बन जाए। इसे हम ऐसे ही टॉस कर लेंगे जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। टॉस करने के बाद इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर और टमाटर को अच्छे से आलू से कवर करने के बाद इसे हम ढक देंगे जिससे हमारा आलू और टमाटर अच्छे से मिक्स। देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। टमाटर और आलू अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। इसे चलाते हुए अब इसमें हम डालेंगे भुनी हुई मूँगफली और मूँगफली को भी मिक्स कर दें। फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। फलाहारी आलू रेडी हो। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। फिर हम ऊपर से डालेंगे और थोड़ी सी मूंगफली और बारीक कटा हुआ धनिया। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। इसे आप नवरात्र व्रत में भी बना के खाइए या फिर बिना व्रत के भी बना के खाइए और सबको खिलाइए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।